तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज के हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है द टेक नूतन। इसमें टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती है, तो आप इन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको इनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 5 ऐसे अमेजिंग ऐप जिसे आप आसानी से इजीली यूज़ कर सकते हैं मोबाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला ऐप है उसका नाम है कंप्यूटर लॉन्चर। यह आपके मोबाइल के फॉर्मेट को पूरे कंप्यूटर की तरह बना देता है। उसमें हर एक चीज़ जो कंप्यूटर में होता है वो भी आपके मोबाइल में आ जाता है उसी तरीके से। यह है फर्स्ट कंप्यूटर लॉन्चर। इसे आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप वहीं से इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए, आप इस ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आता है। इसमें विंडो, जीमेल, गूगल, क्रोम और इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसमें एक ग्रो दिया हुआ है। इसमें क्लिक करने पर कुछ इस प्रकार का सामने आता है। इसमें वाईफाई, साउंड, ब्लूटूथ और बैटरी, टावर, ये सब शो करता है। उसके बाद हम विंडो में क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का सामने इंटरफेस आता है, जिसमें विंडो 10 के जैसा इसमें भी कुछ इंटरफेस। इसमें गैलरी, यूट्यूब सेटिंग, मैप, गूगल क्रोम, ईमेल सब, और जो आपके मोबाइल में जो ऐप इंस्टॉल है वो सभी ऐप आपको ये साइड में दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर आप, और आज का हमारा जो दूसरा ऐप है उसका नाम है स्पीकर टू टच। आप मोबाइल को बिना टच किए ही उसके लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फिर ओनली अपने हाथ को चुटकी बजाकर प्ले लाइट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसे आप अपने फ्रेंड को या फिर कोई भी अपने दोस्तों को दिखाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि मैं बिना टच किए मोबाइल के। जब आप कभी भी अपने मोबाइल के स्क्रीन लॉक को ओपन करते हैं तो उसे आपको टच करना रहता है, या फिर मोबाइल के अपने फेस के सामने लाना रहता है। लेकिन आज जो मैं ऐप बताने जा रहा हूँ उससे आप बिना टच किए, बिना फेस के सामने लाए आप अपने मोबाइल के लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से आप ओनली बोलकर अपने मोबाइल के लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। इस ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आता है। इसमें नॉर्मल सा करना क्या रहता है, सेट पासवर्ड में आपको कुछ ऐसा वर्ड बोलना रहता है जो आपके पासवर्ड में हो। आपको पासवर्ड सेट करने के लिए नंबर भी कर सकते हैं, और बोल कर भी आप इसमें पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अगर बोल कर आप क्या अपने मोबाइल को आप मशीन बना सकते हैं। वैसे तो मोबाइल एक मशीन ही है, लेकिन आपके फॉर्मेट को डिस्प्ले में क्या आप मशीन को शो कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप अपने मोबाइल में मशीन की तरह अपने वॉलपेपर या फिर एक तरीके से छोटा सा व्यू मशीन की तरह आप बना सकते हैं। इसका नाम है व्हील लॉन्चर। इसमें आप को यह करना रहता है कि प्ले स्टोर से इसको ओपन करना रहता है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का जो रहता है वो इंटरफेस रहता है। इसमें आप अपने हिसाब से आप इस लॉन्चर को सेट कर सकते हैं। इसमें थीम भी रहता है जिसे अपने अनुसार आप कोई भी
कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हैं और इसे लेफ्ट राइट भी रख सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ कि ये ऐप से कैसा होता है। तो ये देखिए, इस ऐप से इंस्टॉल करके आप एक मशीन की तरह ही अपने ऐप को रख सकते हैं। इसमें आप अपने जो ऐप रहता है उसे स्टोर बाय लिस्ट, स्टोर बाय नेम नाम से भी रख सकते हैं, A to Z, Z to A, सभी इसी तरीके से रख सकते हैं। अगर आपको ये ऐप पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। तो अब चलते हैं हमारे पांचवे और लास्ट ऐप की तरफ। और आज का हमारा जो लास्ट और बहुत ही अमेजिंग ऐप है जिसका नाम है हैक ऐप, या फिर कोडिंग रिकॉर्डर करके भी आप इसे बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप इस ऐप के जरिए से कोडिंग सीख सकते हैं, फिर नॉर्मल सी से आप कोडिंग कर सकते हैं। ये रियल कोडिंग नहीं है, यह एक फेक कोडिंग ऐप है जिसमें आपको क्या रहता है, इसमें आप कोई भी एनीथिंग टाइप करते रहते हैं, जब इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आता है जिसमें देखने से ऐसा